विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मधुप से पाठ 4 फूलों का नगर पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की जो लेखिका हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला हैं। इन्होंने इस पाठ में प्रेम, करुणा, दया, आज्ञा पालन, वचन पालन, सहयोग, वृक्षों की उपयोगिता, इन सब बारे में इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि हमें बड़ों की बात कैसे माननी चाहिए, अपने प्रकृति की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। बच्चों, हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं या उसका अनादर करते हैं, माने आदर नहीं करते हैं, तब हमारा जीवन क्या होता है, असफल सा लगने लगता है। तो आइए गुरुकुल की गुरु की शिक्षा का महत्व बताने वाली एक कहानी पढ़ते हैं, जिसका नाम है फूलों का नगर। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरु वेदांत के गुरुकुल में, गुरुकुल किसे कहते हैं? गुरुकुल बच्चों, जहाँ पे शिक्षक, माने शिक्षक जहाँ पे रहते हैं, माने शिक्षक का जो वास स्थान रहता है, वहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों को रख कर जब शिक्षा देते हैं उन्हें, तो उस जगह को गुरुकुल कहते हैं। तो गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार जानते हैं आप लोग कि राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाता है। तो बहुत से राजकुमार जो हैं गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ से आते थे, दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे शिक्षकों के साथ। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। माने सब क्या करते थे, गुरुकुल में जो जो नियम रहता था उसका पालन करते थे और बहुत निपुण बनकर ही वे अपने घर लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। समान रूप से प्रेम करते थे मतलब, माने गुरु जो है सभी शिष्यों को एक समान ही प्यार देते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, किसी को कम देते हैं, ऐसा नहीं, सभी को एक समान प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वही मैंने आपको कहा कि सबको एक समान प्यार करते थे, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं, तो इस माने वो भेदभाव नहीं करते थे किसी से। यूँ तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य करते। जो माने सभी को ही उनकी सेवा करते थे, लेकिन अनिरुद्ध और अमृत जो थे उनके दो शिष्य थे, जो दिन रात की परवाह, माने परवाह मतलब चिंता नहीं करते थे और आश्रम का कार्य करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ मतलब खुश हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। अमल करना मतलब किस, माने काम में लाना, ठीक है। माने वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इन पर अमल करोगे, माने काम में लाओगे इन बातों को, तो तुम्हारे राज्य में क्या होगा, सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। अहिंसा का मार्ग अपनाना मतलब कभी भी जीवों को नहीं मारना, जीवों की हत्या नहीं करना, उसे अहिंसा कहते हैं, और सदा जो है अपनी प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। माने दोनों जो राजकुमार हैं उन्होंने खुशी से उनकी बात पे हामी भरी, माने कि हाँ ठीक आपने कहा है, और अपने अपने राज्य की ओर वो चले गए। दोनों राजकुमार क्या थे, दोनों जो हैं गुरुकुल में सहपाठी थे। जैसे आप आपके मित्र
एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, सहपाठी, माने साथ में पढ़ना। तो ये दोनों अमृत और अनिरुद्ध भी जो क्या थे, गुरुकुल में सहपाठी थे। तो दोनों की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों कहाँ, अपने अपने राज्य चले गए, वापस लौट गए। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। मैंने वो क्या था, वो उसने गुरु जी से कहा था कि मैंने अमल करूँगा आपकी बात पर, लेकिन उसने क्या किया, कुछ दिन तो वो आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में वो क्या किया, भूल गया और वो शिकार पर जाने लगा। गुरु जी ने कहा था ना कि अहिंसा का मार्ग अपनाना, मैंने जीवों को ना मारना, है ना, लेकिन वो क्या किया, उस बात को भूल गया। हरे भरे वृक्षों को कटवा कर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। उसने क्या किया था, सभी वृक्षों को कटवा दिया और वहाँ पे नगर बसवा दिया, माने नगर में सब रहते हैं तो रहने के लिए घर बनवा, माने बन गए सबके, तो नगर बस बनवा दिया वहाँ पे उसने। तो धीरे धीरे क्या हो गया, पेड़ नहीं थे ना, तो इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया, माने संतुलित नहीं था वो, और सूखा पड़ने लगा उस वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था जो उसने गुरु जी को दिया था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, माने जब अमृत जो है राजा बना तो उसने क्या किया, जो शिकार, माने शिकार पर उसने रोक लगा दी थी पूरी तरह से, जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। जब वह भी कहीं खाली ज़मीन देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहाँ पौधे उगाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते, मनोरम माने सुंदर दृश्य को। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था, तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। माने राजा अनिरुद्ध क्या है, आक्रमण माने हमला करने का योजना बनाया है, माने प्लानिंग किया है, और वो क्या कर रहा है, अपनी विशाल माने बहुत बड़ी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए प्रवेश कर रहा है, माने अंदर आ रहा है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया है, विचार माने ख्याल आया एक, और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी, माने उसने क्या प्लानिंग की थी उसको समझा दिया। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया, बेफिक्र मतलब बिना चिंता के, वो क्या किया, अपने राजमहल में चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित हो गया, अचंभित मतलब हैरान हो गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, माने हमला कर दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही,
मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध रूंधे गले से बोला, रूंधे मतलब रोने का चेहरा मने बनाकर रोने के भाव से उसने बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छतों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। अनिरुद्ध मैंने दूरदर्शिता मतलब दूर तक देखने की जो उसका भाव था, दूर तक देखने का, उसको देखकर और सूझबूझ को देखकर, मैंने उसके जो मैंने सोचने समझने का जो वो तरीका था उसको देखकर वो आश्चर्य हो गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ, तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं, उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। बच्चों कहानी बहुत अच्छी है ना, आशा करती हूँ आप सभी को भी अच्छी लगी होगी।